बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? वेलकम कर देता नवासी अपने चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने लगे हैं चावल। आज हम लोबी वाले चावल बनाने लगे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपने बहन भाइयों को भी रेसिपी देती हूँ, ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं चावल। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें। हमने घी डाल दिया है, इसके अंदर प्याज डाल देते हैं, अब प्याज ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं क्योंकि कलर निकला है। आज हम कलर वाले चावल पकाए हैं। ये देखें हमारे प्याज का कलर निकला है। ये देखें आप मसाले डाल लेते हैं। सुरख मिर्च का एक चम्मच डालेंगे भर के, क्योंकि हम 2 किलो चावल बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी ऊपर डाल लेते हैं। तीन चम्मच भर के नमक डाल लेते हैं। एक, दो और तीन। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसके अंदर सब्ज मिर्चें डाल लेते हैं। ये मैंने 7-8 मिर्चें ली हुई हैं और ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं। 3 बादियान के पत्ते हैं और लौंगे हैं, 2 मोटी इलायची हैं और दालचीनी के 3-4 टुकड़े हैं। ये खड़े मसाले हमने डाल दिए। सॉरी, वो मैंने बादियान के फूल कह दिए, वो कड़ी पत्ता था। और अब हम लोबिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही हम बिरयानी मसाले की एक पूरी डाल देते हैं। चले अब थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, फिर बाद में पानी डाल देंगे। देखिए हमें 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए लोबिये को, अब हम पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 मेरे चावलों के थे तो मैंने 3 पानी के डाले और थोड़ा सा और ऊपर पानी डाल देंगे। इतना सा ऊपर मैं पानी डालूंगी। चलिए अब पानी उबलने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें पानी उबलने लग गया है। अब इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं। साबुत हाथ की हथेली से इस तरह मसल के, फिर इसका जायका बहुत अच्छा आता है चावलों में से। ये देखिए हमने मसाला डाल दिया, अब हम चावल डाल देते हैं। चलो जी अब हम चावल डाल देते हैं।
चावल डाल के फिर हम नमक चेक करेंगे। आप लोग ऐसे ही चेक करना कि जब चावल आप डाल दें पानी में तो फिर नमक चेक करें, तो फिर आपका नमक कम हो तो फिर डाल देना, तो फिर आपका नमक बिल्कुल पूरा होगा चावलों में। अगर आप पहले चेक करके डालेंगे तो वो हिसाब ही नहीं आता नमक में, पानी में नमक का। चलिए अब मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चावलों में से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम दम पे रख देते हैं, 12 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर बाद में आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं चावलों की। चले जी ये देखिए हमने दम पे रख दिए चावल। ये देखिए 12 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए। चले अगर खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितने प्यारे अलग अलग से बने हुए हैं। ये देखिए हमारे चावल। तो चलो मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे कितने प्यारे और अलग अलग से चावल बने हुए हैं। ये देखिए मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखा रही हूँ। देखिए तो थोड़ा सा मैंने साइड पे प्याज रखा हुआ है। ये प्याज अगर आप लोगों को हमारे लोबिया और चावलों की फाइनल लुक आप देख लें, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम जा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।